अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रमज़े इश्क ड्रामा सीरियल की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि रोशनी, जो कि उम्मीद खो ही बैठी थी कि अब रायान उसे बचाने के लिए नहीं आ पाएगा, मगर रायान फिर से रोशनी को बचाने के लिए पहुंच ही जाता है। रोशनी रायान को देखकर बहुत खुश होती है, मगर उसी वक्त उमर फिर से रायान पर गोली चला देता है। गोली रायान के कंधे को छूकर गुजर जाती है। उससे पहले कि उमर एक और गोली चलाता, पुलिस भी पहुंच जाती है और उमर को अरेस्ट करके ले जाती है। रोशनी रायान को संभालती है और चीख चीख कर किसी को मदद के लिए पुकारती है, ताकि रायान को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा सके। अकील साहब भी पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ रोशनी को हवेली भेज दिया जाता है। रायान जब अपने बाजू पर प्लास्टर बांधे घर आता है तो रोशनी के कमरे में चला जाता है, तो रोशनी जायनमाज पर बैठी रायान की सलामती की दुआएं मांग रही होती है। रायान रोशनी के पास आकर बैठता है। रोशनी कहती है, मुझे यकीन नहीं था कि आप दोबारा मुझे बचाने आएंगे। रायान कहता है, क्यों यकीन नहीं था तुम्हें? रोशनी कहती है, मैंने समझा कि आप मसरूफ होंगे रानिया के साथ, आखिर वो भी तो आपकी बीवी है। रायान कहता है, मेरी असल बीवी तुम हो और मेरी चाहत भी तुम ही हो, बाकी कोई रिश्ता मुझे कबूल नहीं। जिस पर रोशनी रायान को समझाती है कि आप गलत कर रहे हैं, उसका भी हक है आप पर। सफिया साहिबा भी रायान को रोशनी के कमरे में जाता देख लेती हैं और शायद उनकी बातें भी सुन लेती हैं। अब वो क्या करना चाहेंगी? क्या सफिया साहिबा को पता चल चुका है कि रोशनी अब रायान की बीवी है? अगर पता चल चुका है तो अब वो क्या करने वाली होंगी? दूसरी तरफ रानिया रायान के लिए जब नाश्ता लेकर आती है तो रायान की तरफ बेरगबती से देखता है, उसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता और ना ही रानिया का लाया हुआ नाश्ता करता है। सब हवेली वाले रायान पर दबाव डालते हैं कि वो रानिया को वक्त दे, क्योंकि वो उसकी बीवी है। सफिया बेगम अपनी बेटी की आंखों से निकलते आंसुओं की वजह से सुलग रही होती हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि ऐसा क्या करें कि उनकी बेटी को वो खुशियां दे सके जो वो चाहती है। वो ऐसा मंसूबा बनाने वाली हैं कि रोशनी को इस हवेली से निकाल सकें। क्या हशमत साहब सफिया की बातों में आकर रोशनी के लिए कोई फैसला करने वाले हैं, या उससे पहले ही रायान अपनी मोहब्बत को सबके सामने अपनाने और अपने निकाह का ऐलान करने वाला है? क्या हशमत साहब के सामने रायान रोशनी की ढाल बन पाएगा? जरूर बताइएगा। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर जरूर करें। हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।